के साथ अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां दो ग्रामीणों की नक्सलियों ने हिरोली डोकापारा के जंगलों में हत्या कर दी। ग्रामीणों का नाम अशोक कुंजाम और पंडारा है। पुलिस मुखबिर की सख पर हत्या की गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मौके पर किरंदुल पुलिस पहुंच चुकी है और दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने दो लोगों की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि दो ग्रामीणों की हत्या की गई, जिसमें से एक का नाम अशोक बताया जा रहा है और डोकापारा के जंगलों में यह हत्या की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच से जुट गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बता दूं मैं कि किरंदुल थाना क्षेत्र के डोकापारा में घटना घटी है और दोनों ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की है और इसकी जवाबदारी गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने किया है। जहाँ पर नक्सलियों ने इस पर्चे पर आरोप लगाया है कि ये दोनों पुलिस के मुखबिर थे, वहीं दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों ग्रामीण थे, पुलिस के कोई मुखबिर नहीं थे और नक्सलियों ने ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। जी जी। और पंकज, यहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या वे संवेदनशील इलाका है? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका है। किरंदुल थाना से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। पार्टियां निकली हैं, डीआरजी के जवान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं घटनास्थल तक। घटनास्थल तक पहुंचने के बाद दोनों के शव बरामद किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। चलो पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।